नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन में जो भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके संबंध में आज महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूँ। और आज बताने वाली हूँ कि यदि आप इन सारे टॉपिक का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप भारतीय भूगोल से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसमें आप अवश्य ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सा टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी के लिए बहुत ही मस्ट है। साथियों आप यहाँ पर देख रहे हैं सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के क्रम में सबसे पहले आप अक्षांशीय विस्तार को देखेंगे। जी हाँ, सबसे पहले आप भारत के अक्षांशीय विस्तार जो है उसके संबंध में अवगत होंगे। उसके बाद आप देशांतरी विस्तार के संबंध में देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा देशांतर रेखा भारत से गुजर रही है। क्षेत्रफल अर्थात भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है, किस क्षेत्रफल अर्थात किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल, सीमा रेखा किस देश से लगती है, किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल है और किस राज्य का सबसे कम क्षेत्रफल है। लगभग 7 स्टेट के बारे में आप सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे ही साथियों कर्क रेखा कहाँ कहाँ से अर्थात किस किस राज्य से गुजरती है इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। मानक समय कहाँ से भारत के गुजरती है उसको अवगत होंगे। दूरस्थ बिंदु क्या है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इन सभी चीज़ों को आप अवश्य ही देखेंगे। सीमावर्ती प्रदेश अर्थात किस राज्य की सीमा किन राज्यों से लगती है, भारत का जो सीमा विस्तार है किन किन देशों से किन किन राज्यों की लगती है, प्लस तटीय प्रदेश की सीमा रेखा किन किन क्षेत्रों से लगती है। इसी प्रकार से सीमावर्ती देश के बारे में आप देख रहे हैं, इन सभी चीज़ों को आपको अवश्य ही अध्ययन करना होगा। लास्ट में मेरे द्वारा यह बताया जाना है कि ये जो टॉपिक है उसका अध्ययन आप किन अध्ययन सामग्री से करने वाले हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण है टॉपिक वो है भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन के अंतर्गत आपको भारत की प्राकृतिक प्रदेश के संबंध में अध्ययन करना है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण एवं मध्य भारत का पर्वत श्रेणियाँ, पहाड़ियाँ, पर्वत चोटियाँ, घाटियाँ, दर्रे, हिमनद, हिमरेखा, पठार, तटीय भाग, द्वीप, इन सभी का आप अध्ययन करेंगे। ऐसे ही साथियों जो भारत की प्रजातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, बोलियाँ हैं, भाषाएँ हैं, इन सभी से आप अवगत होंगे। इन सभी का अच्छे से आप अध्ययन करेंगे क्योंकि प्रायः इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों नेक्स्ट टॉपिक है अफवाह तंत्र अर्थात गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, दक्षिण भारत की जितनी समस्त नदियां, इन सभी को आप अच्छे से तैयार करेंगे। नदियों के किनारे जो स्थित महत्वपूर्ण शहर हैं उन सभी से आप अवगत होंगे। प्रपात का अध्ययन करेंगे, झील का अध्ययन करेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ साथियों, ये जो टॉपिक है ज्योग्राफी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अफवाह तंत्र। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जलवायु, मानसून, वर्षा, शीतकालीन वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाएं, मिट्टियां, प्राकृतिक वनस्पति, सिंचाई एवं नारे। जो नेक्स्ट है वो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट है आपका कृषि, हरित क्रांति, खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, तिलहन, दलहन, रेशम, बागानी फसलें। नेक्स्ट जो टॉपिक है पशुपालन है। नेक्स्ट टॉपिक है झूमिंग कृषि। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है खनिज संसाधन, विद्युत ऊर्जा, उद्योग, अनुसंधान केंद्र, परिवहन, पर्यटन स्थल, जलमार्ग। जी हाँ, खनिज संसाधन, विद्युत ऊर्जा, उद्योग, अनुसंधान केंद्र, परिवहन, पर्यटन स्थल, जलमार्ग। और ये जो टॉपिक है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं ये जो जितने टॉपिक अभी आपको मेरे द्वारा बताया गया इन सब का आप अध्ययन कैसे करेंगे, किस अध्ययन सामग्री से करेंगे। तो साथियों सबसे पहले बताना अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, क्षेत्रफल, कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती प्रदेश, सीमावर्ती देश, ये सब कुछ आप मैप से अध्ययन करेंगे। अर्थात अवश्य ही आप वाल मैप पॉलिटिकल एंड फिजिकल इंडिया का लेंगे और जितने अक्षांशीय विस्तार के संबंध में लाइन होंगे उसको आप एक एक करके कंप्लीट करेंगे। देशांतरी विस्तार का भी आप अध्ययन करेंगे, क्षेत्रफल, कर्क रेखा, ये सब कुछ आपका मैप से रिलेटेड है। तो अवश्य ही इस टॉपिक को आप मैप से अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि किस किस राज्य की सीमा किन किन देशों से लगी है। मान लीजिए यूपी है तो यूपी की सीमा किन किन राज्यों से लगी है इसको आप खुद
सर्च करेंगे, ठीक है, और नोट्स जरूर बनाइएगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भौतिक विभाजन। भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ, पहाड़ियाँ, पर्वत चोटियाँ, घाटियाँ, दर्रे, हिमनद, हिमरेखा, पठार, तटीय भाग, द्वीप, इन सभी का अवलोकन आप मानचित्र से ही करेंगे, क्योंकि प्रायः इस टॉपिक के लगभग 80% क्वेश्चन मैप से रिलेटेड होते हैं, बट 20% कदापि, मतलब कभी कभार आपको इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से मेरे द्वारा आप सभी को सजेस्ट किया जाएगा, आप NCERT से आप इस टॉपिक को ज़रूर एक बार पढ़ लेंगे, ताकि मैथ से रिलेटेड जो फैक्ट हैं उसकी भी तैयारी हो, एज वेल एज जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसकी भी आप तैयारी अच्छे से कर सकें। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रजातीय जनजातीय बोलियाँ भाषाएँ, इसको भी आप NCERT से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है अफवाह तंत्र, नदियों के किनारे स्थित नगर प्रपात चेन, साथियों इसका अध्ययन आप मानचित्र से संबंधित जो मैं किताब बताई हूँ अर्थात TTK अथवा ऑक्सफोर्ड मैप से करेंगे, एज वेल एज मेरे द्वारा आप सभी को पुस्तक बताया गया है अनिल केसरी का भारत का भूगोल अथवा के सिद्धार्थ का भारत का भूगोल अर्थात मानचित्र से रिलेटेड जो बुकलेट आता है उनका, उससे आप इन सारे फैक्ट का अध्ययन करेंगे और मैप से जरूर एक एक नदियों को आप देखेंगे, हर एक नदियों का जो अफवाह तंत्र है उसको देखेंगे, किन नदियों किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं। आप जब स्वयं देखेंगे कि एक नदी किस प्रकार से उत्तराखंड से आते हुए यूपी को क्रॉस करते हुए आपको बिहार को क्रॉस करते आपको वेस्ट बंगाल को क्रॉस किया जा रहा है, तो जब आप इन सब चीज़ों को देखेंगे तब कहीं आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जलवायु, मानसून, वर्षा, शीतकालीन वर्षा, इन सभी को आप मानचित्र में देखने के साथ साथ आप NCERT से इस टॉपिक का जरूर तैयार करिएगा, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही पूछे जाते हैं। जो नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदे, मिट्टी या प्राकृतिक वनस्पति, सिंचाई नहर, ये भी टोटल आप NCERT से कवर करने वाले हैं। बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना, अभी मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया अनिल केसरी का भारत का भूगोल से संबंधित जो मानचित्र संबंधित नोटबुक आता है उससे आप अध्ययन करेंगे, अथवा आप जब अनिल केसरी का नहीं मिलता है तो उसके क्रम में आप के सिद्धार्थ का जो भारत के मानचित्र से संबंधित बुक है उससे आप सारे इन्फैक्ट को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों कृषि, हरित क्रांति, खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, तिलहन दलहन, रेशम, बागानी फसलें, इन सब का आप अध्ययन NCERT से जरूर करें। और चूंकि इस टॉपिक से करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तत्क्रम में फ्रेंड्स जब आप अर्थव्यवस्था की तैयारी करते हैं तो उसी दौरान आप अर्थव्यवस्था के विषय सामग्री से इस टॉपिक को अप टू डेट तैयार करेंगे, अर्थात किस फसल में कौन सा प्रथम स्थान है, किस फसल की पैदावार में भारत नंबर वन पे है, कौन सा फसल का पैदावार भारत में सर्वाधिक होता है, इन सभी तथ्यों से आप अवश्य अवलोकित होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, पशुपालन, इस टॉपिक की भी तैयारी आप NCERT से करेंगे, सफिशियंट है। नेक्स्ट टॉपिक है झूमिंग कृषि, ये इसके लिए भी NCERT सफिशियंट है। खनिज संसाधन, विद्युत ऊर्जा, उद्योग और अनुसंधान केंद्र, परिवहन, पर्यटन, जलमार्ग, ये मानचित्र से अध्ययन करेंगे एज वेल एज NCERT से। तो साथियों आशा है, विश्वास है कि यदि आप इन सारे टॉपिक को अच्छे से मैप में देखते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप इंडियन ज्योग्राफी के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिनसे लगभग 95% क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। इसी आशा संदेश विश्वास के साथ साथियों कि आप अवश्य ही परिश्रम की राह को चलेंगे, अवश्य ही स्मार्ट स्टडी करेंगे, जितने भी टॉपिक हैं उस पर फुल फोकस करेंगे, अन्यथा आप कहीं ना कहीं अपने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। साथियों टाइम इज़ मनी, और इस टाइम को मनी में रूपए करने के लिए आप अवश्य ही आप इन सारे टॉपिक को अवश्य अध्ययन करेंगे। ऑल द बेस्ट।